हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। यदि दामू अन्ना कोसार को साईं बाबा के कृपा प्रसाद से संतान नहीं हुई तो मैं साईं बाबा के दर्शन कभी नहीं करूंगा। आप साईं बाबा पे अविश्वास दिखा रहे हैं गुरुजी। क्या साईंनाथ पे आपकी तनिक भी श्रद्धा नहीं रही जो आप इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं? मैं प्रतिज्ञा से बन गया हूँ मालसापति। लेकिन आपका और साईं बाबा का तो 72 जन्मों का संबंध है गुरुजी। प्रतिज्ञा के बंधन का कष्ट मुझे भी है सगुण। ये जीवन किस काम का अगर मैं साईं बाबा के दर्शन नहीं कर सकता, अगर मैं उनकी आरती पूजा नहीं कर सकता। गुरुजी को आरती के लिए आना चाहिए था। लक्ष्मी की माँ, साईं बाबा मालिक हैं और मालिक से ऐसे व्यवहार की गुरुजी से बिल्कुल उम्मीद नहीं। गुरुजी तो दुर्भाग्यशाली हैं। मालिक के सामने होते हुए भी वो मालिक से मिल नहीं सकते और ना ही उनसे बात कर सकते हैं। नूर, चलो। सुनिए, आपके लिए शीरा बनाया है, खा लीजिए। मुझे अच्छा नहीं है। कल रात भी आपने कुछ नहीं खाया, दोपहर का भोजन भी नहीं किया, अब ये शीरा तो खा लीजिए। मुझे नहीं खाना है। मगर क्यों? आखिर बात क्या है? मैं जानता हूँ मैं तुम्हें बेचैन कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ मैं तुम्हें दुखी कर रहा हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ। आप नहीं, तुम्हें मेरे लिए भोजन बनाने की कोई जरूरत नहीं। आज से ना मैं कुछ खाऊंगा ना बूंद पानी पीऊंगा। अब मैं अपना ये जीवन समाप्त करना चाहता हूं। अब मैं अपना ये जीवन समाप्त करना चाहता हूं। मैं तो भक्तों का दास हूं, भक्ति में ही निवास करता हूं। मुझे अपने भक्तों की चिंता हमेशा लगी रहती है। जिस भाव से जो मेरी भक्ति करता है उस भाव से ही मैं उसे भक्ति का फल देता हूं। जो अनन्य भाव से मेरी शरण में आता है मैं उसका उद्धार करता हूं। मेरा भक्त मुझसे कितनी भी दूर हो उसकी सहायता के लिए मैं तुरंत पहुंच जाता हूं। जो मुझ पर श्रद्धा और विश्वास रखते हैं मैं उनके साथ होता हूं, उनका साथ देता हूं। वो जिस हाल में हों, जहां भी हों, मुझे उनकी पूरी जानकारी रहती है। मैं भक्ति का प्यासा हूं, भक्ति से समर्पित किया गया एक फल, एक फूल, एक पत्ता, एक आंसू भी मुझे जीत लेता है। सबका मालिक एक। हाँ! हाँ हाँ, क्योंकि मैं जीना नहीं चाहता। आप जल्दबाजी कर रहे हैं गुरुजी। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। आपको एक बार साईं बाबा से मिलना चाहिए गुरुजी। मैंने उसी समय प्रतिज्ञा ली थी यदि दामू अन्ना कोसार को साईं बाबा के कृपा प्रसाद से संतान नहीं हुई तो मैं साईं बाबा के दर्शन कभी नहीं करूंगा। आप साईं बाबा पे अविश्वास दिखा रहे हैं गुरुजी। क्या साईंनाथ पे आपकी तनिक भी श्रद्धा नहीं रही जो आप इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं? मैं प्रतिज्ञा से बन गया हूं मालसापति। लेकिन आपका और साईं बाबा का तो
72 जन्मों का संबंध है गुरुजी। प्रतिज्ञा के बंधन का कष्ट मुझे भी है सगुण, ये जीवन किस काम का? अगर मैं साईं बाबा के दर्शन नहीं कर सकता, अगर मैं उनकी आरती पूजा नहीं कर सकता, इससे अच्छा तो यही है कि मैं इस जीवन से ही छुटकारा पा लूं। इंसान अपने कर्मों के बंधन से तब छुटकारा पा सकता है जब उसे मोक्ष मुक्ति मिल जाती है, जब इस दुनिया में भेजे हुए मालिक के बंधों की, संतों की, गुरुओं की कृपा उस पर होती है। सद्गुरु के बिना इंसान अपनी उन्नति नहीं कर सकता, क्योंकि विकारों से भरे हुए संसार के रास्तों से प्रभु के परम धाम के मार्ग के दर्शन सद्गुरु के बिना संभव ही नहीं। इंसान को अपने गुरु के वचनों का आदर करना चाहिए, उन पर पूरी श्रद्धा पूरा विश्वास रखना चाहिए। बिना कुछ प्रश्न किए उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा उनके कल्याण की चिंता उसके गुरु को ही होती है। गुरु के वचन कितने भी कठोर क्यों ना हो, उससे ही इंसान का उद्धार होता है। मालिक के कृपा प्रसाद का साक्षात्कार करना है तो अपने दिल में भक्ति और विश्वास का दीप बनाकर उसमें प्रेम और श्रद्धा की ज्योति जलानी चाहिए। मालिक की कृपा होती है तो इंसान हर बंधन से मुक्त हो जाता है, चाहे वो कर्मों का बंधन हो या प्रतिज्ञा का बंधन। सबका मालिक एक। श्यामा, तुम मुझे मिलने नहीं आते, इसलिए मुझे आना पड़ा। देवा, आप सपने में तो तुम मुझे नहीं टाल सकते ना। तुम तो 72 जन्मों का संबंध तोड़ना चाहते हो, लेकिन मैं संबंध तोड़ना नहीं चाहता। मैं भी नहीं चाहता देवा कि संबंध टूटे। फिर भी बच्चों की तरह मुझसे रूठकर खाना पीना छोड़ दिया, क्यों? मुझे भगवान मानते हो और भूल जाते हो कि भगवान के लिए उसके भक्त भगवान होते हैं। भक्तों की प्रतिष्ठा भगवान की अपनी प्रतिष्ठा होती है, इसलिए भक्तों के वचन को भगवान सत्य करता है। तुम तो जानते हो मैं कभी झूठ नहीं बोलता, और तुम ये भी जानते हो कि द्वारिका माई में जो भी आता है उसका भला होता है। क्यों? क्योंकि मैं ही उन्हें बुलाता हूं श्यामा। इसका जवाब जाकर दामू अन्ना कोसार से पूछो। किसी दूसरे की गलती का मुझे जिम्मेदार मत ठहराओ। जहां श्रद्धा और विश्वास है मैं वहां हूं। क्या तुम्हारे दामू अन्ना और उनकी पत्नी के मन में मेरे लिए श्रद्धा और विश्वास है श्यामा? और अगर श्रद्धा और विश्वास है तो मेरा दिया हुआ नारियल उनके लिए सिर्फ नारियल नहीं, मेरा कृपा प्रसाद है। वरना नारियल तो नारियल ही है श्यामा। साईं बाबा, बाबा, देवा, देवा, बाबा, क्या हुआ गुरुजी? मैं ही मूर्ख हूं जो अपने भगवान पर अविश्वास दिखा रहा था, लेकिन अब मैं अपनी भूल सुधारना चाहता हूं। मैं कल ही अहमदनगर जाऊंगा।
दामू अन्ना कोसार से मिलने।